हाय गाइस, हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? मेरे को एक बार बता दो भाई, आवाज़ आ रही है कि नहीं? गुड इवनिंग महक, कैसे हो? क्लियरली ऑडिबल? चलो बढ़िया भाई। भाई तुम लोग यार, जो मैं वो भेजता हूँ ग्रुप पे, क्या कहते हैं, पोल्स, उसका आंसर किया करो ना। जो मैं वो बना के भेजता हूँ तुम्हारे लिए, क्या कहते हैं, MCQs, उसका आंसर किया करो। वो बहुत अच्छा होता है, मतलब अच्छी जगह से क्वेश्चंस लाता हूँ, तो दिया करो उसके आंसर्स। हेलो महक, हेलो अंशुमान, हेलो लीजा, कैसे हो भाई? क्या चल रहा है सबके जीवन में? आई होप सब बढ़िया हो भाई। ठीक है, तो दिस इज फेब्रवरी पार्ट 4, लास्ट पार्ट है ये फेब्रवरी का। इसके बाद आप लोग कह सकते हैं कि आपके फेब्रवरी के करंट अफेयर्स ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, ये चारों PDF जो ऑलरेडी डल चुकी है, ये वाली PDF कल डल जाएगी। इसको साथ में एक बार पढ़ लेना अलॉन्ग विद एनी पर्टिकुलर मैगजीन, ठीक है, जस्ट टू बी श्योर कि तुमने कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं है। ठीक है, वैसे नहीं छोड़ी है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली हमने। ठीक है, अगर आएगा तो यहीं से आएगा। हाँ, बशर्ते इसके अलावा तुम अखबार पढ़ रहे हो रेगुलरली, अच्छे से रोज, ठीक है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा कवर सारा। हेलो गुरनूर, कैसे हो भाई? करते तो हैं, गलत हो जाते हैं। आज आज देखना भाई, आज देखना कितने गलत होते हैं कितने सही होते हैं। ठीक है, चलो फेब्रवरी लास्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। यूट्यूब पे जहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम इंस्टाग्राम पे भी आ चुके हैं, ये है हमारी ID, और इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ पे आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री PDF, शेड्यूल क्लासेस का और डेली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू, ये हाईलाइट है इस ग्रुप की। ठीक है जी, चलिए। इसके अलावा गाइस, अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से परचेज कर लेना। ठीक है, चलो। हेलो गुरनूर, फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं ज़िंदगी में? फाइनल एग्ज़ाम कौन से चल रहे हैं भाई? हेलो गुड इवनिंग, यार तुम्हारा एकदम सिर्फ नाम सरनेम आ रहा है शुक्ला, तुम्हारा नाम नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है जी, चलिए तो फिर शुरू करें। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पोल, टोटल 13 टॉपिक्स हैं आज। ठीक है, वैसे 10-12 ही होते हैं, बट मुझे ख़त्म करना था फेब्रवरी तो इसलिए थोड़े ज़्यादा ले लिए हमने। ठीक है, चलो। इंडिया ने सेक्रेड रेलिक्स भेजे हैं, ठीक है, ऑफ द बुद्ध कम्युनिटी के। ठीक है, तो वो सीक्रेट रेलिक्स जो हैं वो रिसेंटली कौन सी कंट्री को भेजे गए हैं, मतलब इंडिया ने कहाँ भेजे? ठीक है, इंडिया से वो रेलिक्स गए किसी कंट्री में, वो कंट्री कौन सी है? ठीक है, ये चारों ही कंट्रीज में बुद्धिज़्म फॉलो करने वाले लोगों की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो सोच समझ के बताओ ज़रा आंसर इसका जवाब। शिवानी, हेलो 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 शिवानी। अच्छा, 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं क्या? ख़त्म नहीं हुए क्या? तनु शुक्ला, आई एम न्यू स्टूडेंट। हेलो तनु, कैसे हो? क्या चल रहा है जीवन में? आई होप फर्स्ट ऑफ मेनी क्लासेस हो आपकी ये वाली, आपको ये अच्छी लगी, आप बार बार आए, है ना? और तो क्या ही चाहते हैं हम। थाईलैंड बोल रहे हैं सब, जहां सब जाना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ। अंशुमन, लीजा, अविनाश, वह मैं इस ईयर नैली ओडिशा जा रहा हूँ। बधाई हो भाई, बहुत बहुत बधाई हो। ये पूछना था कि अभी भी वहाँ फर्स्ट ईयर से सिंगल रूम मिलता है क्या फुल 5 ईयर्स के लिए? एंड भैया, लास्ट ईयर आपके वीडियोस ने CA में बहुत हेल्प किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम अविनाश। बट मैं तुम्हारा दिल तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं, अब नहीं मिलता है, डबल शेयरिंग रूम ही आपको मिलेगा। ठीक है, बट अब जनता ज़्यादा हो गई ना भाई, अब उन्होंने सिंपल BA का कोर्स भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल BA भी होता है अब उस कॉलेज में, फिर 3 ईयर LLB भी होता है अब। ठीक है, ये सब हमारे जाते ही, जिस जिस साल हम ग्रेजुएट हुए उसी साल से ये दोनों कोर्सेज आ गए भाई। ठीक
अब रुकवाएंगे तो हॉस्टल में ही ना, तो इसलिए जगह थोड़ी है नहीं भाई। ओ शिवानी, तुम्हारा भी फर्स्ट है, बहुत बढ़िया भाई। कम वन कम ऑल, है कि नहीं? इस भावना में हम बिलीव करते हैं और सी थाईलैंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना रिलिक्स भेजे गए हैं? बिल्कुल आपके चेहरे पे ये सवाल फेंक के मारा जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको लगाना है कि 4 रेलिक्स हैं ऑफ लॉर्ड बुद्ध, ठीक है, और उनके डिसाइपल्स को भेजा गया है बैंकॉक में। ठीक है, और एक डेलीगेशन गया था फ्रॉम इंडिया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट करनी है, वो यहाँ पे ये है कि जो डेलीगेशन है इंडिया का, उसको लीड किसने किया था? तो कोई नॉर्मल ऐसे वैसे ब्यूरोक्रेट ने लीड नहीं किया था, गवर्नर ऑफ बिहार श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने लीड किया था वो डेलीगेशन। ठीक है, बिहार के जो गवर्नर है, प्रेजेंट सिटिंग गवर्नर, ठीक है, उन्होंने वो डेलीगेशन को लीड किया था। ठीक है, तुम्हें पता है ना भाई, बिहार स्टेट जो है वो पूरी दुनिया में 2 रिलीजन पहुंचाने वाली स्टेट है। मतलब 2 रिलीजन जो है वो वहां से जन्मे थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म, है ना? बोध गया का नाम सुना होगा। आपका करंट अफेयर्स का क्लास कब होता है? अनअकैडमी वहाँ नहीं होता है शिवानी, पहले होता था बट मुझे कुछ किसी कारणवश छोड़ना पड़ा, तो अब हम यहीं मिलते हैं संडे टू संडे। ठीक है, उसके अलावा हम बीच बीच में वीडियोस डालते रहते हैं, तो वो आप देख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, सारा कंटेंट वहाँ पर मिल जाता है भाई। यस ठीक है, हाँ था मैं बट अब नहीं हूँ, अब नहीं। तुम्हें फ्री में सब यहाँ पे मिल रहा है ना गाइस, क्या दिक्कत है? फ्री की चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं आ रही क्या? तुम ये तो नहीं सोच रहे फ्री कंटेंट है तो एवं सा होगा? भाई बहुत मेहनत लगती है इसको भी बनाने में, ठीक है ना? तो एवं सा मत समझना इसको भी। पीएम मोदी ने रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन ले किया है अमृत भारत स्टेशंस का, ठीक है, और 40,000 करोड़ रुपए इन स्टेशंस में कुल लागत आई है। ठीक है, तो कितने स्टेशन हैं ये मुझे ज़रा बता दो, कितने अमृत भारत स्टेशन हैं? नहीं भाई, सैड वैड होने की कोई बात नहीं है यार शिवानी, चलता है यार, जीवन में दुखी मत हो, हम यहाँ पे रहेंगे ना, हम यहाँ पे मिलेंगे संडे टू संडे, कहो तो हम सैटरडे भी मिल लेंगे भाई, एवरी सैटरडे एवरी संडे, सैटरडे को पढ़ के संडे को क्विज कर लेंगे, है कि नहीं? बताओ अगले हफ्ते से करना है तो। बताओ भाई, पोल नंबर 2 गाइस, सो गए क्या? थाईलैंड चले गए क्या सही में? भाई थाईलैंड वाईलैंड मत जाओ यार अभी। एम ही समझते तो आते थोड़ी क्लास में। ट्रू है ट्रू है ट्रू, आई सपोर्ट, फुल सपोर्ट। इसी सपोर्ट के साथ अगर वीडियो लाइक हो जाती, लाइव क्लास जो चल रही है वो लाइक हो जाती अगर, तो आह मजा आ जाता, मजा आ जाता। तो जरा लाइक कर दें, है ना? अंशुमन लीजा कह रही हैं डी, तनु कह रही हैं डी 550, शिवानी हंस रही हैं आंसर नहीं बता रही हैं, आंसर बता दो यार। इसी के साथ हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं गाइस, इंस्टाग्राम पे हम आपको इस आईडी पे मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ डाउट वाउट हो तो यहाँ पे भी डाल सकते हो भाई अपने डाउट्स, कर दूंगा मैं रिप्लाई। गाइस प्लीज डू लाइक द सेशन, यस लीजिए, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। तो यस द करेक्ट आंसर इज डी 550। तो 550 अमृत भारत स्टेशन बनाए गए हैं, 26 फरवरी की ये न्यूज है, लास्ट वीक की। ठीक है, और इसका फाउंडेशन स्टोन ऑलरेडी ले कर चुके हैं पीएम मोदी। ठीक है, अब जो हमारी थीम है विकसित रेलवे बाय 2047, ठीक है, उस थीम को आगे बढ़ाते हुए ये एक स्टेप लिया गया है अमृत भारत स्टेशन का। ठीक है, ये काफ़ी हाई लेवल टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड रेलवे स्टेशन होंगे, इसमें रूफटॉप प्लाजाज होंगे, सिटी सेंटर्स होंगे। अब तो ये तुम इस इन्वेस्टमेंट से ही तुम अंदाज़ा लगा सकते हो, है कि नहीं? अब इसी के अलावा, इसी से मतलब एक रिलेटेड न्यूज़ है कि
कि 1500 रोड ओवर ब्रिजेस का भी और अंडर ब्रिजेस का भी एक फाउंडेशन स्टोन ले किया जा चुका है, ठीक है, किया जाएगा, सॉरी, ठीक है। और इसके अलावा तुम्हें ये तो पता ही है ना, चेनाब नदी के ऊपर दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना है, ठीक है, इसी साल बना है, चेनाब रिवर के ऊपर, है ना। तो ये एक रिलेटेड चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए। मैंने तो कर दी लाइक, वेरी गुड वेरी गुड, पसंद आ रहे हैं मुझे आज के बच्चे। चलो भाई आगे चलते हैं, थर्ड टॉपिक ऑफ द डे। तीन टॉपिक हो गए, 10 मोर टू गो। इंडिया ने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फॉर नेवी। अब ये तो तुम्हें, मतलब ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा कि कौन सी आर्म ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस को मिला है, मतलब आर्मी को कि नेवी को कि एयरफोर्स को, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये नहीं पूछा तुमसे, मैंने पूछा तुमसे कि कितनी ब्रह्मोस मिसाइल्स मिली हैं, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे साथ जो एग्जामिनर है वो भी खेलेंगे, ठीक है। तो खेलने मत देना, अभी जितना खिलवाड़ हो सकता है खिलवाड़ करवा दो, पर उनसे मत खिलवाड़ करवाना, ठीक है, फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। चलो बताओ। अरे यार फोन बंद हो गया हमारा। हाँ भाई आंसर बताओ। पोल नंबर 3, 150, 300, 100, 200, जल्दी बताओ। अरे भाई चले गए क्या थाईलैंड? अरे भाई आंसर बताओ यार। अबे भाई 10 लोग हो भाई, बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, मैं कम से कम तुमने ये तो बोला कि तुम्हें पता नहीं है, कोई बात नहीं भाई हम बता देंगे, पर कुछ तो लिखो। पोल नंबर 3, नो अंशुमान, द करेक्ट आंसर इज डी, 200, ठीक है। 200 ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज ईआर बोलते हैं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, ये एक एक्विजिशन है, ठीक है। इसको अप्रूव किया है WCS ने, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ठीक है। और ये इंडियन नेवी के वॉरशिप्स जितने भी हैं उन पे लगाया जाएगा, ठीक है। 200 ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, ठीक है। डील की वैल्यू है 19,000 करोड़। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे एग्जाम के लिए, बट फिर भी पता होनी चाहिए, ठीक है। और जो अग्रीमेंट था वो जिन दो बॉडीज के बीच में हुआ था, देवर ब्रह्मोस एरोस्पेस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑब्वियसली इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रह्मोस एरोस्पेस इसका नाम ही इसकी कंपनी के ऊपर पड़ा है, ठीक है, ब्रह्मोस एरोस्पेस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बी लीजा नहीं यार, आंसर डी है, 200, ठीक है, नॉट 300। ठीक है जी, कॉफ़ी पियोगे? बिल्कुल पियेंगे यार, पर कोल्ड कॉफ़ी पिलाओगे तो पियेंगे भाई, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है तो गर्म नहीं पी पाएंगे हम, कोल्ड कॉफ़ी हमें पिला दो तुम। चलो फोर्थ टॉपिक ऑफ द डे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड विच अदर कंपनी हैज जॉइंड हैंड्स इन डेवलपिंग अ 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी इन बेंगलुरु। बताओ भाई, नोकिया, गूगल, रिलायंस या फिर सैमसंग? रिलायंस की तो भाई क्या ही, तो शादी हो रही भाई उनकी, बाप रे। बताओ जी बताओ, गलती से भेजा, क्या भेज दिया भाई तुमने, हमने तो देखा ही नहीं। फिर से भेजो, फिर से भेजो, गलत बात, हम नहीं देखे हैं तो फिर से भेजो। रात को कोल्ड चल जाएगा भाई, गर्मी हो रही है इधर, बताओ।
बी गूगल। नो 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 नो, यस अंशुमान, वेरी करेक्ट, ए नोकिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा गाइस, अपना दिल छोटा मत करो, अभी टाइम है हमारे पास। तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग पार्टनरशिप है नोकिया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बीच में। आई नो नोकिया थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा सुनने में, बट यस नोकिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाइस शिवांगी, नोकिया है करेक्ट आंसर। ठीक है, और जो रिसर्च है दैट इज 6G टेक्नोलॉजी रिसर्च, और नोकिया ने बेसिकली स्पेसिफिकली 6G के रिसर्च के लिए ही एक लैब बनाया था। कहाँ पे? तो बैंगलोर में वो लैब बनाया था उन्होंने। ठीक है, और उसी लैब में वहाँ पे ये रिसर्च जो है वो कैरी आउट करी जाएगी। ठीक है, तो ये है, यस इसका आंसर बी नहीं है लीजा, इसका आंसर ए है, नोकिया। नोकिया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है जी, गुड इवनिंग सोमेश भाई, कैसे लेट हो गए आज तुम? तो सबसे पहले आने वालों में से हो भाई। हाँ, नैने नूने के सोया जाए ना। हाँ भैया जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क, ये मैं बता चुका हूँ क्या? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, जब से मैंने ये क्वेश्चन डाला है इसमें, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, मैं तुम्हें लास्ट क्लास में ये बता चुका हूँ, पार्ट थ्री में बता चुका हूँ। ट्रू है क्या? बता चुका हूँ क्या? विच कंट्री रिसेंटली इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क? बताओ भाई। इसी के साथ ये भी बता देना कि वर्ल्ड लार्जेस्ट मॉस्क कहाँ पे है। कभी कभी जिंदगी में सिचुएशन साथ नहीं देती, बाप रे बाप, ऐसा क्या हो गया भाई तुम्हारी जिंदगी में? महक बी अल्जीरिया, और थोड़ा सा गाना गा दो। क्या भाई, तुम मुशायरे में आते हो क्या? थोड़ा गीत वीत हो जाए, हैं, थोड़ा समा बन जाए। अरे भाई, मैंने अपनी वीडियो गलती से डिसलाइक कर दी, डिसलाइक नहीं करना है गाइस। यस अल्जीरिया इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ठीक है, अल्जीरिया ने सेलिब्रेट किया है ग्रैंड ओपनिंग ऑफ व्हाट हैज बीन अक्लेम्ड एज अफ्रीकाज लार्जेस्ट मॉस्क। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है, अल्जीरिया इज इन अफ्रीका। ठीक है, और ये दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क होगी। ठीक है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने प्रिसाइड करी सेरेमनी के ऊपर। ठीक है, और वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क, अब इसमें ना एक टावर भी है, ठीक है, मिनारेट जिसको बोलते हैं, है ना, ये जो टावर तुम यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, दिस इज 265 मीटर्स टॉल। ठीक है, और इसमें एक बार में 1,20,000 से भी ज़्यादा वर्शिपर्स वर्शिप कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने तुमसे पूछा था वर्ल्ड लार्जेस्ट मॉस्क कहाँ पे है, भाई ये तो सिंपल सा आंसर है यार, मक्का यार, सऊदी अरेबिया। वर्ल्ड लार्जेस्ट मॉस्क मक्का। ठीक है, चलो, अभी सऊदी अरेबिया ने एक, तुम्हें याद होगा कुछ 2 साल पहले उन्होंने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया था जिसमें उन्होंने बोला था, जिसका नाम था द लाइन। ठीक है, उसमें एक लाइन में जो एक लाइन जो 174 किलोमीटर की लॉन्ग होगी, उस लाइन में वो एक पूरी सिटी बसा देंगे। ठीक है, अभी उसकी फोटोज वायरल हुई हैं कि उसमें कितना काम हो गया भाई, उस पर सही में काम चल रहा है। ठीक है, तो मजाक मस्ती में मत लेना भाई सऊदी अरेबिया। चलो, पोल नंबर 6, साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव। इंडिया एंड विच अदर कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड अ साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव? वैसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि मतलब कितनी कंट्रीज के साथ हम साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं ना, अगर ऐसे क्वेश्चंस आए, अगर तुम्हारी किस्मत इतनी ख़राब हुई तो वो मंथ लिख देंगे आगे। ठीक है, कि कब की न्यूज़ है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे
होल नंबर 6 की जगह लिखा होगा Feb 24, ठीक है? तो उससे समझ जाना कि कब की न्यूज़ है ये, ठीक है जी? यस सोमेश, मैका बताओ भैया। कि सोया जाए ना, अरे कोई तो बता दो। महक, यूएसए। बस एक ही आंसर आया है मेरे पास, एंड जो एक आंसर है, नहीं दो आंसर आ गए हैं सोमेश। यस, यूएसए इज द करेक्ट आंसर। द यूएस कॉन्सुलेट और मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, जो कि इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर है, MCCIA, ये इंडिया की साइड से है, ठीक है? इन्होंने फर्स्ट एवर यूएस इंडिया साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट एवर, तो इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, ठीक है? क्योंकि पहली बार हुआ ये, है कि नहीं? यस भाई, अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। द यूएस के काउंसिल जनरल जो है माइक हैंकी, इन्होंने एम्फोसाइज किया कि इम्पोर्टेंस कितनी सारी है भाई साइबर सिक्योरिटी की, जो कि इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप्स को और अच्छा और बेहतर बना सकता है, ठीक है? तो MCCIA ज़रूर याद रख लेना गाइस, और यूएस कॉन्सुलेट। हाँ चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। NSSO सर्वे ऑन पॉवर्टी, तो NSSO सर्वे हाल ही में आया फ़रवरी में, ठीक है? इन्होंने रिसेंटली ये हेल्ड करा है कि जो पॉवर्टी है इन इंडिया हैज़ नाउ बीन रिपोर्टेड एट व्हाट, मतलब बिटवीन 5 एंड 6, बिलो 5%, बिलो 7%, या फिर नन ऑफ दिस। घर पे ही हूँ भाई सोमेश, एट होम ओनली। चलो बताओ, बी बिलो 5%। और कोई बताना चाहता है कि हम इस आंसर को लॉक कर दें? यस भाई, बी बिलो 5% इज द करेक्ट आंसर। तो नीति आयोग के सीईओ जो हैं BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने हाईलाइट किया है की फाइंडिंग्स फ्रॉम द लेटेस्ट NSSO कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, और उसमें ये आया है, यस रितेश, यस अंशुमान, एकदम करेक्ट, कि जो पॉवर्टी लेवल्स हैं वो बिलो 5% जा चुके हैं फॉर इंडिया, ठीक है? और भाई नीति आयोग से याद आया, आज ही, मतलब आज, जस्ट आज संडे को हरियाणा जुडिशरी सर्विस का पेपर हुआ आज, ठीक है? तो हरियाणा, मतलब जुडिशरी में यही होता है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, ठीक है? तो आज हरियाणा जुडिशरी का प्री था, और उसमें ये क्वेश्चन आया था, वहाँ पे करंट अफेयर्स पूछते हैं, मतलब हर जुडिशियल एग्जाम में नहीं पूछते बट हरियाणा में ज़्यादा पूछते हैं। तो वहाँ पे आज एक क्वेश्चन आया था कि नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को कब रिप्लेस किया, ठीक है? तो इसका आंसर ज़रा मुझे बता दो कमेंट्स में, ठीक है? क्योंकि नीति आयोग तो प्लानिंग कमीशन की जगह आया है ना? नीति आयोग ने कब रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को, कौन से साल में? चलो बैक टू बेसिक्स, पर कैपिटा मंथली हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर जो है वो भी डबल हो चुका है, ठीक है? अगर हम 2011-12 से 2022-23 को कंपेयर करें तो, ठीक है?
2015। यस, वेरी करेक्ट, वेरी गुड गाइस। बस एक नंबर आ गया तुम्हारा जुडिशरी में। यस रितेश, यस लीजा, यस महक, एकदम करेक्ट। चलो पोल नंबर 8। पीएम मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है सिक्किम का फर्स्ट एवर रेलवे स्टेशन, कहाँ पे? रैंगपो, गैंगटॉक, नामची या फिर सोरेंग? 1 जनवरी 2015। यस सोमेश, करेक्ट हो आप। यस तनु, 2015। हाँ भाई, पूरा एक नंबर आ गया तुम्हारा। आज एक और ये भी क्वेश्चन आया था भाई कि ये क्या कहते हैं, एक कंट्री ने एक इंडियन एयरलाइन का प्लेन पूरा रुकवा दिया था, ग्राउंड करा दिया था, ये सोच के कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, और उस प्लेन में 300 इंडियंस थे। ठीक है, तो वो कौन सी कंट्री ने किया था? ये भी क्वेश्चन था आज इसी एग्जाम में। अरे वाह 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 वाह, इतने सारे गलत जवाब मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखे, बिकॉज गैंगटॉक इज नॉट द करेक्ट आंसर गाइस, करेक्ट आंसर इज रैंगपो। ये मजा आया, ये देख के मुझे मजा आया। आज एक नई चीज सीखेंगे हम। तो पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन लेकर आ सिक्किम के इनॉग्रल रेलवे स्टेशन का रैंगपो में। ठीक है, रैंगपो इज द करेक्ट आंसर, नॉट गैंगटॉक। गैंगटॉक में ए में लिख देता हूँ भाई, तो हर कोई ए बोल देता। यस महक, ए रैंगपो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो स्टेशन का डिजाइन और वहां के लोकल कल्चर से मिलता जुलता है, वहां के लोकल हेरिटेज से मिलता जुलता है। ठीक है ना, और 2000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 41,000 करोड़, जो मैंने अभी बताई ना, 550 अमृत भारत रेलवे स्टेशन, ये उन्हीं प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जो थीम थी विकसित भारत एट 2047, इसको इंग्लिश में बोला जाए तो सीधा सीधा हम 2047 तक चाहते हैं कि इंडिया जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री हो जाए। ठीक है, अब ऑब्वियसली आप डेवलप्ड हो नहीं सकते जब तक आपका जो इंटरकनेक्टिविटी है, ठीक है, बिटवीन प्लेसेस, वो जब तक अच्छी ना हो। ठीक है, मतलब रेल हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए। ठीक है, तभी तुम देख रहे हो एयरपोर्ट्स पे भी इतना, मतलब बहुत अच्छी तरीके से काम चल रहा है, पीपीपी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जीएमआर इतना अच्छा, इतनी अच्छी कंपनी ग्रो हो रही है। ठीक है ना, तो 2047 तक वी वांट कि हमें डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप्ड नेशन बना दिया जाए। ठीक है, मुझे तो याद भी नहीं था। हाँ भाई, यही ऐसे ही तो खेल जाएंगे तुम्हारे साथ एग्जामिनर, तभी तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जितना खिलवाड़ हो सकता है करवा लो भाई, वहां मत करवाना। चलो आगे चलते हैं, 9th टॉपिक ऑफ द डे। हु रिसेंटली रिसीव्ड द 2023 जी डी बिरला अवार्ड? बताओ भाई, ये तो पुराना है भाई, ये फोटो तो पुरानी है, हामिद अंसारी है यहाँ पे अवार्ड दे रहे हैं। तो बताओ, राजीव कुमार गौबा, प्रोफेसर नारायण प्रधान, अदिति सेन दे या फिर नन ऑफ दिस? डब्लू गाइस, एक उल्टे डब्लू के नीचे खजाना रखा है। मूवी देखी तुमने? बेस्ट भाई बेस्ट। तनु कह रही है बी, सोमेश लीजा कह रहे हैं सी। ऑफ कोर्स, देखिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे अच्छे हो तुम लोग।
यस गाइस, तो सी अदिति सेन डे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2023 का जीडी बिरला अवार्ड मिला है डॉक्टर अदिति सेन डे को। ये डिस्टिंग्विश्ड फिजिसिस्ट हैं। ठीक है, तो कई बार ना ये क्वेश्चन आ जाता है कि वो नाम दे देंगे कि हाँ इनको अवार्ड मिला है, डॉक्टर अदिति सेन डे को अवार्ड मिला है, वो कौन सी फील्ड से बिलोंग करती हैं, और फिर नीचे ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हें फिर फिजिसिस्ट चूज़ करना पड़ेगा। तो इसको इग्नोर मत किया करो प्रोफेशन को, जो ऐसे बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं। ठीक है, और ये फिलहाल काम करते हैं हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो कि प्रयागराज में है, अर्स्टवाइल इलाहाबाद। ओके, 2023 जी डी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक एक्सीलेंस, साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं तनु, तुम्हारी फर्स्ट क्लास है ना भाई, हो जाएगा सब चंगा सी, सब ठीक ठीक हो जाएगा भाई, चिंता मत करो। चलो पोल नंबर 10 देखो गाइस, हमारा झंडा, हमारे देश का झंडा। पीएम मोदी ने अनाउंस किया है इंडियाज ओन स्पेस स्टेशन बाय विच ईयर, जल्दी बताओ भाई। तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम्हें वन तारा जाना पड़े, वन तारा क्यों जाओगे भाई, वो भाई वो एनिमल्स के लिए है यार। तुम नहीं जा पाओगे, पंजाबी नहीं बोलूं? ठीक है भाई, नहीं बोल रहा। सोमेश, रितेश, लीजा, तनु, अंशुमान, इजी क्वेश्चन था क्या? आप सब लोग एकदम 100% सही हो। ठीक है, 2035 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पीएम मोदी हाल ही में अपना एड्रेस दे रहे थे वीएसएससी में, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में, थिरुवनंतपुरम में। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने चार एस्ट्रोनॉट्स को विंग्स दिए हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही प्रेस्टीजियस सेरेमनी होती है फॉर दीज एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, उनको अपने विंग्स मिलते हैं, ठीक है, जो कि पार्टिसिपेट करेंगे गगनयान प्रोजेक्ट में। ठीक है, और उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया है कि इंडिया का प्लान है अपना खुद का स्पेस स्टेशन होने का बाय 2035। अभी फिलहाल पूरी दुनिया में सिर्फ एक चाइना ही ऐसी कंट्री है जिसका खुद का स्पेस स्टेशन है। ठीक है, बाकी सारी कंट्रीज जो भी दुनिया में हैं वो ISS यूज़ करती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है भाई, तो गगनयान प्रोजेक्ट जो है, इट इज़ डिज़ाइन टू डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज़। तो अ क्रू ऑफ 3 मेंबर्स को लॉन्च किया जाएगा इनटू एन 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में। ठीक है, 3 दिन का मिशन होगा, और ऐसा नहीं भाई कि लॉन्च कर दिया तो बस मिशन सक्सेसफुल। मिशन जो है वो उस सेकंड पे सक्सेसफुल होगा जिस दिन ये जो तीनों मेंबर्स जा रहे हैं क्रू के, उनको सक्सेसफुली बिना किसी इंजरी के, हेल्थ प्रॉब्लम्स के, रिट्रीव कर लिया जाएगा फ्रॉम आर वेरी ओन इंडियन ओशन वाटर्स। ठीक है, तो उस मोमेंट पे ये गगनयान मिशन जो है सक्सेसफुल माना जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया आपका पोल नंबर 10। डांस कहाँ कर रहा है यार, ये खड़ा है यार वो बेचारा। अभी ओपन हाइवर ने बना दी होती ऐसी कोई पिक्चर तो वाओ, व्हाट अ डायरेक्शन, व्हाट अ मूवी है, बट हमने लगा दी फोटो तो कह रहे हो डांस कर रहा है। दिस इज नॉट डन भाई। चलो पोल नंबर 11th, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, न्यू लोकपाल चेयरपर्सन। तो विच फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैज बीन अपॉइंटेड रिसेंटली एज द लोकपाल चेयरपर्सन?
तो लोकपाल जो है वो एक बॉडी है जिसको करप्शन के लिए बनाया गया था, मतलब एंटी करप्शन के लिए, सॉरी, ठीक है, एंटी करप्शन, ठीक है। उसके चेयरमैन जो चेयरपर्सन जो होते हैं वो जनरली सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होती हैं, ठीक है। तो बताओ भाई कौन से जज हैं? एस? अबे तुम भाई किस्तों में क्यों आंसर कर रहे हो यार? CIG? भाई क्या सब लिख रहे हो यार ये? तो नहीं गाइस, इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ए, जस्टिस AM खानविलकर, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी के जो ये तीनों हैं ये पहले लोकपाल के चेयरपर्सन रह चुके हैं, ठीक है, ये रह चुके हैं, और AM खानविलकर, जस्टिस AM खानविलकर को न्यूली अपॉइंट किया गया, ठीक है। तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस AM खानविलकर हैज बिन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल एंटी करप्शन ओम्बड्समैन ऑफ इंडिया, ठीक है, एंटी करप्शन बॉडी है ये, और इनका जो अपॉइंटमेंट है वो आया है आफ्टर अ डिस्टिंग्विश्ड करियर इन जुडिशरी। ये सुप्रीम कोर्ट से जुलाई 2022 में रिटायर हुए थे, ठीक है, और उसके बाद अब ऑलमोस्ट कुछ 6-7 महीने बाद लोकपाल का चेयरपर्सन इनको बना दिया गया है, ठीक है। अब लोकपाल जो बॉडी है दैट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये, ठीक है, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इसको स्टैट्यूट के थ्रू लाया गया है जिसका नाम है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, ठीक है, तो याद रखना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉवरेन AI सेकेंड लास्ट, हाँ भाई सॉरी, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सॉवरेन AI, इंडिया एंड विच अदर कंपनी हैव जॉइंड हैंड्स इन डेवलपिंग सॉवरेन AI इनहैंसिंग द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो भाई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना दैट इज नथिंग बट ब्रिंगिंग इनोवेशन, ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक, ठीक है, जनता की भलाई के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना इंटीग्रेट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को उनकी लाइफ्स में, ठीक है, बस उसको बिल्ड करना ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होता है, ठीक है। दुनिया की हर सरकार अपने DPI पे काम कर रही है और करना चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये बताओ अब AI के आने के बाद तो और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई तुम लोग जो मैं टेलीग्राम पे वो भेजता हूँ यार MCQ, उसका आंसर किया करो यार, वो बड़ी उसमें भी टाइम लगता है यार उसको भी बनाने में, और वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं न्यूज़पेपर से और मैगजीन से लाता हूँ तुम्हारे लिए, तो भाई उसका आंसर किया करो, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा, उसमें तो पता भी नहीं चलता है किसने गलत किया, एनोनिमस क्विज होती है वो। MCQs का आंसर किया करो गाइस, और जो नहीं है टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है,
सिर्फ इतना सर्च करना लॉक्यूपाइड तो आ जाएगा। बताओ भाई इसका आंसर बताओ। हाँ भाई रितेश तुम्हारे अलावा भी बी एनवीडिया। भाई यस अंशुमान, यस सोमेश, बी एनवीडिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो राजीव चंद्रशेखर जो है फिलहाल यूनियन आईटी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। वो रिसेंटली मिले थे शंकर त्रिवेदी से, जो कि सीनियर वीपी हैं एनवीडिया में, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पे मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री का ऑफिस जो है वहाँ पे वो मिले थे। ठीक है, यस लीजा। और डिस्कशन जो हुआ था दैट वाज अराउंड इंडियाज इवॉल्विंग डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड उसमें एआई जो है वो क्या रोल निभा सकता है, और उसका नाम रखा है सॉवरेन एआई। ठीक है, सॉवरेन एआई जो है वो एनवीडिया ने ही इजाद किया था। ठीक है, एनवीडिया के जो करंट अभी सीईओ हैं जेनसेन हुआंग, उन्होंने ईजाद किया था, है ना। और इसमें सिर्फ एल्गोरिदम ही नहीं है, इसमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब टेक्निकलिटीज़ में हम घुसेंगे नहीं, बट तुम्हें वो नाम याद रखना है सॉवरेन एआई। और सॉवरेन एआई इंडिया नहीं लाई है, ये एनवीडिया खुद लाया है। ठीक है, रोबोट सोच रहा है किस कंट्री से शुरुआत करें। क्या बोले भाई। ठीक है जी, तो ये था ऑल अबाउट सॉवरेन एआई। चलो आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, पोल नंबर 13। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द मिलिट्री एक्सरसाइज स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024? बताओ, यूरोप की लार्जेस्ट एक्सरसाइज है भाई ये, यूरोप की लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करी है? इंटरपोल, अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन या फिर नेटो? अरे महक अभी थैंक यू नहीं हुआ यार, अभी अभी लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर करके जाओ। और मेरे को ये बताओ, तुम्हें मैराथन चाहिए क्या, मतलब कि फेब्रवरी का फेब्रवरी का राउंड अप सॉर्ट ऑफ है, क्विज कर लेंगे, मतलब वही जो हम करते हैं 20-25 एमसीक्यूज। ठीक है, अगर चाहिए तो बता देना भाई, फिर सैटरडे को उसकी क्लास करेंगे और संडे से हम स्टार्ट करते हैं मार्च। अरे सॉरी मत बोले यार, कोई बात नहीं। अंशुमान डी, नेटो, रितेश, महक, अच्छा तुम वो क्विज के लिए कह रहे हो, सोमेश, नेटो, तो यस गाइस, नेटो इज इंडीड द करेक्ट आंसर। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इट्स लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज यूरोप में पिछले कुछ दशकों में, जिसका नाम है स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा बड़े स्केल पे ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, जो अभी रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, ठीक है, जिसमें यूक्रेन जो है चाहता है कि नेटो की मेंबरशिप उसको मिल जाए। ठीक है, अभी तक नहीं मिली है, मिलेगी क्या नहीं पता नहीं। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है ये दो फेजेज में होगी,
ठीक है, पहला फेज जो है वो कंक्लूड हो चुका है, ठीक है, या तो चल रहा है या तो कंक्लूड हो चुका है, शायद एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और सेकेंड फेज जो है वो मई या तो जून में स्टार्ट होगा, ठीक है। तो दो फेजेस में ही एक्सरसाइज होगी, ये पूछा जा सकता है कि कितने फेजेस में होगी, ठीक है, तो इसको नोट कर लेना भाई। ठीक है, तो ये 13 टॉपिक्स पढ़े हमने आज। बाकी अगर कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे आप लोग डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना जिसने नहीं किया है, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। अगर इंस्टाग्राम पे नहीं करना है तो मेल कर सकते हो यहाँ पे, अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो, ठीक है। क्या घुमा रहा हूँ भाई, वो स्ट्रॉ, हाँ ठीक है। बाकी हम क्विज करते हैं, ठीक है ना, क्विज करेंगे ऑफ फेब्रवरी, ठीक है। मैराथन, मैराथन नहीं बोलना चाहिए, वो क्लास भी 1 ही घंटे की होती है, ठीक है। अब भाई तुम्हें मेरे को मतलब मुझे क्वालिटी पे ज़्यादा बिलीव है ना, क्वांटिटी से, तो मतलब काफ़ी सारा कंटेंट देख के जो हर क्वेश्चन सब में कॉमन हो, ठीक है, वो मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे वही क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं। तुम 10 क्वेश्चन करके जाओ या तुम एक एग्जाम लेवल क्वेश्चन करके जाओ, अब इतने तो समझदार हो तुम कि तुम्हें क्या करके जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है, हम क्विज करेंगे, फेब्रुअरी मैराथन सैटरडे को करेंगे, ठीक है, और संडे को हम स्टार्ट करेंगे मार्च करंट अफेयर्स, ठीक है जी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सैटरडे। यू आर वेलकम गाइस, बाय बाय। बाय गाइस, बाय। यू आर वेलकम।